ये राज्य की संवैधानिक ऑब्लिगेशन, संवैधानिक ड्यूटीज में आता है कि जो वीआईपी प्रोटोकॉल में है उसको सुरक्षा प्रदान करना। फिर मैं थोड़ा सा, देखिए मैं, आप जानते हैं सभी कि मैं बेसिकली पॉलिटिक्स से हटकर जो मैं छात्र हूँ जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस एनालिसिस का हूँ, तो उसमें कुछ सुबह खड़े होते हैं। तो मैं ये बात शुरू दिन से कह रहा हूँ, आज से 6 महीने जम्मू में इंडियन एयरफोर्स की बेस के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन आता है और उसमें एक्सप्लोजिव ड्रॉप किया जाता है। 18 मिनट तक फिरोजपुर की बॉर्डर, जो कि पाकिस्तान की बॉर्डर के नजदीक, प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं पुल पर। उनकी जो व्हीकल था वो वाला व्हीकल नहीं था जो एक्सप्लोजिव प्रूफ हो या रॉकेट प्रूफ हो, साधारण व्हीकल था जिसमें खड़े रहते हैं। तो क्या जो हुआ 6 महीने पहले वो एक प्रैक्टिस थी कि उसको परफॉर्म करना है और सौभाग्यवश प्रधानमंत्री बच गए? ये एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मुझे शुरू दिन से लग रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि एक रिहर्सल की गई जम्मू में और अब प्रधानमंत्री के ऊपर उसको प्रैक्टिकल करना था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया, वो बच के निकल गए उस चीज से। और ये जो डीएसपी सीबीआई सीआईडी, पंजाब पुलिस की सीआईडी के डीएसपी का जो वीडियो आया, उससे मेरा शक और शुबा दोनों ज्यादा बढ़ते हैं। तो आप अभी इसको भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस के चश्मे से ना देखें, आपको देखना चाहिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। और बड़े वाजिब प्रश्न सीएम साहब ने, शिवराज जी ने उठाए कि वहां पर मुख्यमंत्री क्यों नहीं थे, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं थे, डीजीपी क्यों नहीं थे? क्योंकि ये 3 जो वरिष्ठ लोग होते हैं प्रदेश के, सत्ता के और ब्यूरोक्रेसी के, वो हमेशा पीएम या राष्ट्रपति का जब भी दौरा होता है, मैंने खुद ने कई बार उन दौरों में रहा हूं, तो ये 3 बिग 3 जो होते हैं हमेशा रहते हैं, उनका ना होना क्या कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाता, क्या किसी प्रकार की कॉन्स्पिरेसी की तरफ बिल्कुल इंकित नहीं करता? ये सब चीजें सोचना चाहिए। और आप इस तरह से करके पंजाब का भी नुकसान कर रहे हैं भाई साहब, देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तावरे जी, आप एक युवा हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं कि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपको कांग्रेस का गुणगान करना होगा। देखिए, कई ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जब राजनीतिक दला दली से ऊपर उठकर हमको नैतिकता और राष्ट्र को आगे रखना चाहिए। मैं आपसे भी वही अपेक्षा करता हूं आज।